नमस्कार नमस्ते, सर। नमस्ते।, नमस्ते, सर। नमस्ते 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 सर 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 हाँ शिवा कैसी हैं आप ठीक है बस हम लोग एक दो लोगों लोग, एक दो लोगों का इंतजार कर रहे हैं वो भी ज्वाइन करने वाले हैं इन ए मिनट देन विल स्टार्ट द क्लास और हमारे बीच में संगीता जी हैं सुदीप्ता से कौन है सावित्री मैडम हैं नमस्कार सावित्री मैडम नमस्कार पाठक जी नमस्कार नमस्कार सुदीप्ता से कौन है अच्छा सब हाँ, अच्छा। अच्छा, है इसके वाइफ ओ यस 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 अच्छा ठीक है मनीषा जी आप हाँ जी सर ठीक ठीक है ठीक है आज मेरा नेटवर्क इशू था बहुत देर से मैं कोशिश कर रही थी तो अभी अभी है वाईफाई में प्रॉब्लम हो रही है हमारे साथ और एक दो लोग हैं वो ज्वाइन कर लेंगे इन हम स्टार्ट करते हैं स्लोली स्लोली क्योंकि टाइम तो हो ही गया है दो तो बज ही गए हैं और इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें एक बड़ा अच्छा रहेगा क्योंकि इस क्लास में कुछ लोग नए भी हैं जो पुराने पढ़ रहे थे उनके अलावा तो थोड़ा सा एक जस्ट इंट्रोडक्शन हो जाएगा आपस में सिर्फ अपना नाम कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं एक दो चीजें बतानी है सो so देट के आप सब पार्टिसिपेंट्स क्लास में जो है वो एक दूसरे से वेल well वर्स रहे बिल्कुल तो मैं आ, सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा सावित्री जी से कि वो अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन दे फिर सुदीप्ता जी और फिर संगीता जी सब अपना अपना इंट्रोडक्शन दे नमस्कार पाठक जी और बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स uh, मैं रिटायर्ड हूँ

अनम्यूट कर लो। हाँ। आई। हाँ, हाँ, बिल्कुल आई बिल्कुल. हाँ, नमस्कार मैं संगीता सावित्री जी की सिस्टर हूँ और उन्होंने मुझे इस ग्रुप में आपके पास ज्वाइन कराया है एक्चुअली वी मेरा इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में और हम दोनों बड़े दिनों से सोच रहे थे कि कुछ ऐसा करें जो जिसमें हम दोनों का ज्वाइंट इंटरेस्ट भी हो एंड देन आपने इनको बताया एंड वी गॉट इन टू इट एंड लेट्स होप कि बहुत अच्छे से कर पाए बिल्कुल बिल्कुल कर पाएंगे आप कोई दिक्कत नहीं है जरा सी भी दिक्कत आपको नहीं होगी और उसके बाद सुदीप्ता जी हैं सुदीप्ता जी आप तो अपने बारे में कुछ बताइए यस सर सर नमस्ते नमस्ते शायद आप की आवाज चली गई है हाँ। नमस्ते हाँ, मेरा नाम सुदीप्ता जैना है हाँ. मैं लॉयर एक लॉयर हूँ और अभी अभी प्रैक्टिस शुरू कर, कर रही हूँ उसके अलावा मैं जुडिशियरी के लिए प्रिपरेशन भी कर रही हूँ वेरी गुड वेरी गुड बहुत अच्छी बात है चलिए बड़ा अच्छा रहेगा तो आप चेक भी कर सकती है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी रहेगी कैसी नहीं रहेगी जी के थ्रू जी हाँ तो तपन अपने बारे में बताइए हाय ऑल आई एम तपन सोनी दिस साइड एंड मैं राकेश सर से एसोसिएटेड हूँ लास्ट वन ईयर से So, I've learned astrology as well as you know numerology from him, and now this is the third class. So I stay in Gurgaon and I'm working with uh, Wipro. and I'm basically one of the SAP Center of Excellence uh, Director So, handles the complete uh, global regions, you know Europe. Ka. Okay. So that's a quick brief about me. So let's see Agarham uh, you know, you learn sake, and then you know see if we can work together as a team. Yes, yes. Right. very nice. Very Thank nice. you all. Shiva. Morning, everybody. Namaste. My name is Shiva. I live in England, um, so my my Hindi isn't that very isn't very good. I understand about ninety five percent of the uh, course, and the rest I'll I'll read off. I am in accountancy. I've done astrology, and then from astrology, I've done numerology. And because I'm in accounts, I've really enjoyed the numerology. And now I'm going to do the astrology. Well, sorry, the uh, tarot. That's me. But वेरी नाइस वेरी नाइस मनीषा जी नमस्ते सर नमस्ते सबको मैं मनीषा सर की सबसे पुरानी स्टूडेंट मैंने इनसे एस्ट्रोलॉजी कोर्स किया है न्यूमरोलॉजी सारे कोर्स मैंने सर से सीखे हैं और अब मैं टैरो कार्ड सीखना चाहती हूँ प्रिडिक्शन को और अच्छा देखने के लिए कि सारी तरह से प्रिडिक्शन कैसे ठीक आती है ओके थैंक यू रितेश जी आप अनम्यूट कर लीजिए रितेश जी 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 प्रणाम सर जी प्रणाम प्रणाम जी सभी को प्रणाम मेरा नाम रितेश कुमार पाठक है मैं मोतिहारी बिहार से हूँ और स्कूल में टीचिंग प्रेरित हुआ और इस कोर्स को ज्वाइन किया हूँ so nice, so nice, so nice. nice. अच्छा सीख पाऊंगा बिल्कुल सीख पाएंगे एकदम सीख पाएंगे और कोई है हमारे साथ हेमलता जी है जी सर नमस्ते सर नमस्ते हाँ सर मेरा नाम आ, सभी को नमस्ते आ, मेरा नाम हेमलता यादव है मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं सर की सबसे पुरानी स्टूडेंट हूँ मेरे को सर के साथ तीन चार साल हो गया सर के सभी कोर्स मैंने किए हुए हैं वेरी गुड सर बहुत अच्छा सिखाते हैं चलिए सो so नाइस nice, अच्छा सच यू आपकी और कोई हमारे साथ है निकल श्रीकांत जी हैं शायद नहीं चलिए कोई और बच गया हो तो अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा ताकि सब लोग एक दूसरे को जान ले क्योंकि फिर बाद में ग्रुप के अंदर हम लोग आपस में करते रहेंगे। एक ग्रुप हमारा करेंगे। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपस में हम लोगों में होना चाहिए। और एक जान पहचान हम लोगों के अंदर होनी चाहिए अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों का वन प्लस जी से कौन है तपन है क्या दीपक शर्मा मेरा हाँ दीपक शर्मा दीपक शर्मा दीपक जी अपने बारे में बताइए कुछ मैं सर एज ए हॉबी एस्ट्रोलॉजी क्लासेस कर रहा हूं। जी। बहुत अच्छी तरह से आप समझेंगे इसको सबसे पहले मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं कि आपने इस कोर्स में एडमिशन लिया कोर्स आपको बहुत अच्छा लगेगा ऐसा मेरा मानना है और आप लोग भी करने के बाद इसको ये बात मानेंगे कि कोर्स अच्छा था आपको इसके अंदर में टेरो के बारे में बताऊंगा डेडिट कार्ड कैसे होते हैं कैसे प्रलेक्शन देते हैं क्या उनका डिस्क्रिप्शन है वो सब चीजें मैं आप इसको आपको इस कोर्स में बताऊंगा हमारा जो शेड्यूल रहेगा वो शनिवार को दो से तीन बजे का है जैसा कि ये टाइम है सैटरडे लोगों की नॉर्मली छुट्टी होती है हफ्ते में एक क्लास का हमारा शेड्यूल है लेकिन बीच में अगर कोई आद, हम लोग चाहें तो हम हफ्ते में दो क्लास भी शेड्यूल कर सकते हैं लेकिन वो सेकेंड क्लास आप लोग डिसाइड कर सकते हैं अगर करना चाहे अगर आपको लगे कि हाँ आप दो क्लास एक साथ वीक में करके और इसको कोपअप कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं संडे उसमें आपको बस छोड़ना पड़ेगा क्योंकि संडे को नॉर्मली हम लोगों को भी काम होता है और अदरवाइज आपको लगता है कि एक क्लास ठीक है तो एक क्लास से भी हम लोग करते रहेंगे चलिए ये तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है इसके बारे में जब आप आपस में भी डिस्कस सकते कर सकते हैं ग्रुप के अंदर कि आपको एक क्लास हफ्ते में करनी है या दो क्लास हफ्ते में करनी है और किस टाइम करनी है ताकि मैं उस टाइम आपको फिर सेकंड क्लास भी करवा सकूं लेकिन रखिएगा मंडे टू सैटरडे के बीच में ही तो संडे को मत रखिए दूसरा आपको इस क्लास के जितने भी नोट्स हैं पी हैं वो आपको सब मिलेंगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा जो थ्योरी होगी वो थ्योरी के नोट्स आपको मिलेंगे इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है आप यहाँ पे सुनिए भी कुछ नोट डाउन भी कीजिए कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें जो लिखी हुई हैं नोट्स के अंदर जो हमने बनाई हैं नोट्स में कई बार कुछ चीजें हम लोग भूल जाते हैं लिखना लेकिन जब हम बोलते हैं तो हमें याद रहती है तो जब हम, हम आपस में डिस्कशन करेंगे तो उस वक्त भी कुछ छोटा मोटा आप ब्रीफ में नोट करते रहिए लेकिन नोट्स आपको मिल जाएंगे सारा आपको नोट करने की जरूरत नहीं है जितना नोट्स आपके पास हो उसको देख के जो अलग से कोई चीज दिखाई दे रही हो वो आप नोट कर सकते हैं रिकॉर्डिंग्स आपको भेजी जाएंगी प्रोग्राम की हर सैटरडे को क्लास होगी कोशिश करेंगे कि एवरी सैटरडे को हम रिकॉर्डिंग भेज दें क्योंकि रिकॉर्डिंग कन्वर्ट होती है उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद हम लोग उसको भेजते हैं कोशिश करेंगे सैटरडे भेज दें संडे ऑफ रहता है सैटरडे अगर आपके पास नहीं पहुंचती है तो मंडे ग्यारह बजे तक आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग्स पहुंच जाएंगी इसलिए उसकी कोई बरी करने की चिंता नहीं है क्लास हमारी जो होगी वो दो तरीके से होगी थ्योरी बेस्ड होगी प्रैक्टिकल बेस्ड होगी थ्योरी थ्योरी तो आपको आपको के जितने भी नोट्स है पीडीएफ वो सब आपको मिलेंगे जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे वो नोट्स और पीडीएफ में आपको भेजता जाऊंगा तो आप उनका पूरा रख सकते हैं प्रैक्टिकल हम लोगों को सीखना पड़ेगा उसके कोई नोट्स नहीं होते वो हम लोगों को सीखना ही पड़ेगा क्लास के अंदर और मेरा विश्वास है कि बाई एंड ऑफ क्लास हम लोग काफी ट्रेंड हो जाएंगे ये सब करने में लेकिन इससे पहले मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी प्लीज अब इतने दिनों तक जितने दिनों तक ये क्लास कर रहे हैं यूट्यूब पे मना जाए टैरो के बारे में कुछ भी सीखने के लिए क्योंकि तो अभी क्या है देखिए किसी भी ब्लैंक पेपर पर लिखना बहुत आसान होता है अभी आप लोग अगर ब्लैंक माइंड से सीखेंगे चीज़ को तो जो मैं बोलूंगा वो आपको समझ में आएगी और आपके जो कन्फ्यूजन है उनको मैं दूर करने की कोशिश भी करूँ नहीं नहीं हो पाते हैं मुझसे भी तो हम लोग मिलकर दूर करेंगे कंफ्यूजन को लेकिन यूट्यूब में कोई नई चीज आप सुन लेंगे तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत ज्यादा तो क्योंकि यूट्यूब में हर तरह के लोग हैं हर तरह के लोग हर तरह की चीज बताने वाले हैं किसी को कुछ चीज से जोड़ देते हैं किसी को कुछ चीज से जोड़ देते हैं तो उसको यूट्यूब को मत सुनिए जब तक आप ये कोर्स ना कर लें जिस समय आप ये कोर्स कर लें उसके बाद आप यूट्यूब पर जाइए और आप तब पहचान पाएंगे कि हाँ YouTube में जो वो बता रहा है वो ठीक बता रहा है या नहीं बता रहा है या कोई अगर ठीक बता रहा है कोई चीज नई चीज बता रहा है तो आप उसको नोट कर पाएंगे तो यही रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब को आप अभी अलग रखें यूट्यूब पर ना जाए और इसको बाद में देखें और इसके अलावा यही मैं कहूंगा कि ईश्वर से जो भी जिन ईश्वर को आप मानते हो या देवी को आप मानते हो उससे प्रार्थना करें कि ये जो विद्या है ये आपके लिए बेटरमेंट के लिए हो क्योंकि हम जानते हैं कि इस तरह की विद्याएं चाहे वो ज्योतिष हो न्यूमरोलॉजी हो प्रश्न शास्त्र हो सामुद्रिक शास्त्र हो ऑकर्ड साइंस इस तरह की जो होती हैं उनको ज्योतिष बोलते हैं ज्योतिष का मतलब ही होता है अगर दो भागों में उसे डिवाइड करें ज्योति प्लस ईश यानी ज्योति ईश ईश माने भगवान यानी भगवान की लाइट द लाइट ऑफ गॉड तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विद्या है लाइट ऑफ गॉड इसको बोलते हैं जब तक आप डिवाइन कनेक्शन नहीं अपनाएंगे तब तक, तक आपको ये विद्या नहीं मिल पाएगी और डिवाइन कनेक्शन कैसे करना है गॉड से आपको उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप दो चीज तो करें पांच मिनट सुबह मेडिटेशन करें डीप ब्रीदिंग करें और पांच मिनट सोने से पहले शाम को मेडिटेशन करें डी ब्रीदिंग करें उससे आपको बहुत फायदा होगा और आप एक कनेक्शन बैठा पाएंगे कंसल्टेशन को इम्प्रूव कर पाएंगे इंट्यूशन को इंक्रीज कर पाएंगे जो तो जिससे कोर्स को समझने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी अब इसके बारे में हम थोड़ा बहुत चक्रा बैलेंसिंग के बारे में भी इसके अंदर पढ़ेंगे कि चक्रा कैसे ब्रीफ पढ़ेंगे उसके बारे में चक्रा बैलेंसिंग का तो एक पूरा कोर्स ही अलग होता है बट वी विल स्टडी इन ब्रीफ कि वो क्या होता है और पीछे मैंने जो क्लास थी आपको उसमें कर्मा थ्योरी पढ़ाई थी कर्मा थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि तीन तरह की चीजें होती है शायद दीपक जी ने वो क्लास इंट्रोडक्शन क्लास थी वो नहीं देखी होगी आज आपको रिकॉर्डिंग उसकी भेज देंगे दीपक जी आप उसको देख लीजिएगा उसमें डिटेल में बताया लेकिन मैं ब्रीफ में फिर भी यहाँ जिक्र कर देता हूं कि तीन तरह के हमारे आ, कर्म होते हैं एक हमारे संचित कर्म होते हैं जिनको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड कर्म दूसरे हमारे प्रारब्ध होता है जिसको हम बोलते हैं डेस्टिनी और तीसरा हमारा होता है क्रियामान कर्म जिसको हम बोलते हैं फ्रीविल या प्रेजेंट लाइफ कर्मास होते हैं संचित कर्म वो है जो हमने जन्मों जन्मों से इकट्ठे कर रखे हैं प्रारब्ध वो है जो इस जन्म में हम अपने संचित कर्मों में से कुछ हिस्सा लेकर आए डेस्टाइंड है जो जो डेस्टिनी है जिसको हमको भुगतना ही भुगतना है और उसको कोई चेंज नहीं कर सकता और प्रेजेंट कर्म वो होते हैं जो कर्म हम इस जीवन में आके करेंगे जिसकी फ्री विल हमें होती है इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि जो युद्ध हुआ था जब महाभारत का तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आप ऐसा क्यों नहीं करते जब आप ईश्वर हो आप सब जानते हो तो क्यों नहीं आप सब लोगों के मस्तिष्क को बदल देते सब लोगों के दिमाग को चेंज कर देते सब लोगों का माइंड सेट कर देते कि भाई हमको धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए हमको गलत रास्ते पे नहीं चलना चाहिए तो भगवान ने यही कहा कि देखिए सब लोग आत्माएं हैं आत्मा, है, आत्मा परमात्मा का रूप है मेरे ही रूप है आत्मा का किया गया फैसला मैं चेंज नहीं कर सकता आत्मा को अपने फैसले अपने आप लेने का अधिकार है वो धर्म के मार्ग पर चले या अधर्म के मार्ग पर चले गलत रास्ते पर चले या अच्छे रास्ते पर चले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसलिए जो डस्टाइनी डेस्टिनी आप लेकर आए हो प्रारब्ध जिसको बोलते हैं संचित कर्म का काटेडलेटेड कर्म का जो आप हिस्सा लेकर आए हो पार्ट लेकर आए हो पोर्शन लेकर आए हो वो आपको भुगतना पड़ता है uh, that is basically 60%. तो आप ये लाइफ में मानकर चलिए कि जो है वो आपकी डेस्टिनी है लोग कह देते हैं कि कर्मों से आप सारा संसार बदल सकते हो कर्म से आप ये चेंज कर सकते हो ऐसा नहीं होता डेस्टिनी आपकी कोई ना कोई चीज होती है और सिक्सटी रोल डेस्टिनी का होता है फोर्टी परसेंट रोल जो होता है वो आपके प्रेजेंट लाइफ कर्मास का होता है डेस्टनीसेंट है उसकी कोई रेमेडी नहीं जो प्रारब्ध आपके पास आए हैं उनको आपको भुगतना ही पड़ेगा लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई हम लोग ऑफर्ड साइंस सीख रहे हैं तो रेमेडीज क्या है तो जो डेस्टिनी पार्ट है सिक्सटी परसेंट पार्ट उसकी कोई रेमेडी नहीं होती द ओनली थिंग इज कि आप प्रेजेंट लाइफ कर्मा आपके कुछ ऐसे कीजिए उसमें कुछ ऐसी रेमेडीज वगैरह आपको बताएंगे वो करिए जिससे आप अपने प्रारब्ध को झेलने में थोड़ा सक्षम हो जाएं और आप उसको आराम से कम इंटेंसिटी से कर सकें क्योंकि आपको मिलना तो है ही है लेकिन उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाती तो ये बहुत जरूरी है आपको समझना तो कर्मा थ्योरी के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी आपको बताया था यहां भी मैंने आपके साथ जिक्र किया मैं आपको फिर ये कहता हूं कि भाग्य को हम आउट ग्रो नहीं कर सकते ये बहुत इंपॉर्टेंट है सती माता के बारे में भी हम लोगों ने मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है यहां तक अगर आपका कोई कंफ्यूजन uh, हो क्वेश्चन हो मेरे ख्याल से हमारे साथ श्रीकांत जी ने भी ज्वाइन किया है आचार्य श्रीकांत पांडे आप भी जरा अपना ग्रुप को इंट्रोडक्शन दे दीजिए एक बार सब लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया है थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए फिर हम लोग आगे चलते हैं श्रीकांत पांडे जी अनम्यूट कर लीजिए राधे 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 जी सर बताएं हाँ, मतलब मैं चाह रहा कुछ इंट्रोडक्शन दे दें ताकि ग्रुप के लोगों को मालूम चल जाए कि आप कहाँ से हैं क्या करते हैं आ, मैं मैं प्रयागराज बनारस से हुई है और आचार्यू मैं कर्मकांड और ज्योतिष का भी से जो है वो कर्मकांड संबंधित का है हमारा आ, से सारी चीजें है, है, तो तो तो, थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता देता हूँ कि आचार्य श्रीकांत पांडे आचार्य हैं बी से पास आउट हैं और कर्म कांड के बहुत बड़े विद्वान विद्वान हैं पुराण वेद इन्होंने सब कंठस्थ है इनको हर चीज का बड़ी बड़ी पूजा ये लोग कर ये कराते हैं और बहुत अच्छा इनका एक्सपीरियंस है ज्योतिष में भी इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ज्योतिष के अंदर भी बहुत सी चीजें चीजें इन सीखने को हमें इनसे मिलती रहती है तो हमारे लिए ग्रुप के लिए ये अच्छा है कि ऐसे प्रकांड विद्वान जो कर्म कांड में है वो हमारे साथ तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया थोड़ा पढ़ा हम लोगों ने अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि टेरोट कार्ड कैसे काम करता है हाउ टेरोट कार्ड वर्क्स ये पांच चीजों का कंबिनेशन है वन इज एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का कंबिनेशन है आपको इससे ये समझने की जरूरत नहीं है आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि कार्ड पढ़ने के लिए हमको एस्ट्रोलॉजी आनी जरूरी है ये ऐसा नहीं है इट इज नॉट रिक्वायर्ड आपको कार्ड आपको बिल्कुल आराम से पढ़ना है उसके लिए ना आपको एस्ट्रोलॉजी आने की जरूरत है बिकॉज इट इज अ डिफरेंट कोर्स ना आपको न्यूमरोलॉजी आने की जरूरत है कोई चीज़ आपको आने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सब डिफरेंट कोर्स होते हैं वो जब आप अलग से पढ़ेंगे तब आपको समझने की जरूरत होगी बट कार्ड में इन चीजों का बहुत माइनर माइनर यूज होता है पांच चीजों का बेसिकली यूज होता है टेरो कार्ड रीडिंग के लिए नंबर वन इज एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में एक होता है शकुन शास्त्र हम लोग बहुत पढ़ते हैं और अपने पुराने लोगों से घरों में भी सुनते हैं इस चीज को बहुत ज्यादा के दूध उफन गया वो अच्छा नहीं होता उफन के बाहर आ गया गैस से शीशा टूट गया तो वो अच्छा नहीं होता बिल्ली रास्ता काट गई तो वो अच्छा नहीं होता इस तरीके के बहुत शकुन हैं जो हमने अपनी लाइफ में सुने होते हैं और हम उनको सुनते आते हैं तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है कि क्या शकुन शास्त्र का उपयोग हम लोग करते हैं पुराने जमाने में ऋषि मुनि थे वो आपका प्रश्न सुन के अपने आप ही आंसर दे देते थे, थे। आंख बींच लेते थे प्रश्न सुनते थे आपका और आंख आप, बीचने के बाद थोड़ा मेडिटेशन किया और उसके बाद वो आपका आंसर बता देते थे कि आपके साथ ये होने वाला बिकॉज वो नेचर से कनेक्ट थे शकुन शास्त्र उन्हें मालूम था पूरा हम लोग नेचर से कनेक्ट बिल्कुल नहीं है घर के अंदर बैठे रहते हैं तो कहाँ नेचर से कनेक्ट है हम लोग आपने देखा होगा कई बार जब तूफान आने वाला होता है या कोई बहुत तेज बारिश आने वाली होती है तो जानवर भी भागना शुरू कर देते हैं जंगल के अंदर बिकॉज वो नेचर से कनेक्टेड है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और नेचर से कनेक्ट होके परीक्षण करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है अब बहुत लोग ऐसे हैं इंडिया में जो नेचर से कनेक्ट करके परीक्षण करते हैं और बहुत ही सटीक परीक्षण उनकी आती है तो इसका भी हम लोग यूज करेंगे एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा शकुन शास्त्रों का भी यूज करेंगे नेचर से कनेक्ट होके न्यूमरोलॉजी का यूज भी होता है इसके अंदर न्यूमरोलॉजी का यूज भी होता है बहुत माइन्यूट साइज होता है क्योंकि कार्ड के अंदर हमने नंबर दिए हुए हैं जीरो से लेके दस नंबर तक है फिर ग्यारह भी है बारह भी है तेरह भी है टोटल मिला के सेवेंटी एट कार्ड्स हैं तो नंबर हमने दिए हैं इन नंबर को हम लोग कैसे समझेंगे वो हम आगे अभी पढ़ेंगे आने वाली स्लाइड्स में कलर सिम्बोलिज्म कलर का भी इसमें यूज होता है हर कलर आपसे कुछ कहता है रेड कलर है तो वो आपसे कुछ कहता है कि एग्रेशन है ईगो है ऑरेंज कलर है तो वो आपसे कुछ कहता है व्हाइट कलर है तो वो आपसे कहता है कि प्योरिटी है पीस है कामनेस है तो हर कलर आपसे कुछ कहता है तो कार्ड जितने भी कार्ड हैं ये इनके डिफरेंट कलर्स इसके अंदर होते हैं और हर कलर के बारे में हम लोग आने वाली स्लाइड में देखेंगे कि कौन सा कलर क्या चीज बताता है तो कलर सिंबोलिज्म का भी बहुत ज्यादा यूज है पिक्चर सिंबोलिज्म पिक्चर सिंबोलिज्म यानी पिक्चर का भी बहुत यूज है क्योंकि पिक्चर भी जो हम देखेंगे कार्ड के अंदर जैसे आप कोई कार्ड देखते हैं जैसे मैं आपको ये कार्ड दिखाता हूं कार्ड आपको दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर एक पिक्चर बनी हुई है इस पिक्चर को देखकर आप कुछ ना कुछ सोचेंगे सोचने पे विवश होंगे यार या पिक्चर क्या कहना चाहती है आपसे तो पिक्चर का भी एक बहुत बड़ा यूज है जो आप धीरे धीरे सीखेंगे और हम लोग इसको देखना स्टार्ट करेंगे और उस पिक्चर के बेस पे आप काफी कुछ चीजें कह पाएंगे मैंने पीछे आपको जब इंट्रोडक्टरी क्लास थी एग्जाम्पल भी दिया था कि पिक्चर वाली चीजें जो है हम कभी नहीं भूलते हमने अपने बचपन में कोई पिक्चर देखी होगी हमें याद होगा लेकिन हमने अपने बचपन में कोई पहाड़ा पढ़ा है हम उन्नीस का पहाड़ा भूल गए होंगे तो वो होता है क्योंकि पिक्चर आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और कार्ड बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड से ही करा जाता है दूसरी चीज इंट्यूशन जो पांचवी चीज इसके अंदर है इंट्यूशन ऑफ द रीडर रीडर की इंट्यूशन बहुत जरूरी है जितनी ज्यादा उसकी इंट्यूशन पावर होगी उतना ही अच्छा वो कार्ड को एक्सप्लेन कर पाए तो ये पांच तरीके हैं जिनको मिक्स करके हम लोगों को बोलना होता है यहां तक आपके कोई डाउट्स हैं या कोई चीज आप पूछना चाहते हो या कोई चीज आपको लगती है कि भाई हम लोग क्या क्या चीज करेंगे नहीं करेंगे तो आप पूछ सकते हैं और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं कोई डाउट किस तरह का भी यहाँ तक संगीता जी कोई डाउट है अभी जो भी बोलना चाहे अनम्यूट करके बोल सकता है अपना डाउट बाकी फिर पूछ के फिर म्यूट कर लीजिए क्योंकि हम आगे फिर चलते रहेंगे तो मुझे लगता है किसी को यहां तक कोई डाउट नहीं है डाउट शायद होना भी नहीं चाहिए क्योंकि ऐसी तो कोई चीज तो अभी पढ़ाई नहीं है जब कार्ड्स वगैरह हम लोग पढ़ेंगे तब ये हमारे डाउट्स वगैरह स्टार्ट होगा मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ शेयर कर देता हूँ उससे आपको और अच्छे से समझ आएगा ये टेरो कार्ड के जो ये प्रेजेंटेशन है ये मैं आपको भेजूंगा जितना मैं आपको पढ़ाता रहूंगा उतना मैं आपको इसके पीडीएफ भेजता रहूंगा तो इसलिए आपको कोई भी चीज इसमें से नोट करने की आवश्यकता नहीं है नोट वही चीज करें जो मैं कोई एक्स्ट्रा कुछ बोल जाता हूं तो वही आपको नोट करना है ये इंट्रोडक्शन के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने पहले भी आपको ये दिया था कि टेरो कार्ड फिफ्टीन सेंचुरी में इसका डॉक्यूमेंट हुआ था हो सकता है इससे पहले भी कभी ये रहा हो हमको नहीं मालूम उस चीज का लेकिन डॉक्यूमेंटेड जो है वो फिफ्टीन सेंचुरी में है डॉक्यूमेंटेड इजिप्ट से ये पहली बार हुआ था और उसके बाद ये इटली होता हुआ और जिप्सीज के पास था ये और जिप्सीज के थ्रू क्योंकि जिप्सीज तो घूमते रहते हैं इंडिया में ये सेंचुरी में आया और फिर इसको आगे से वहां से हम लोगों ने इस पे ऊपर काम करना स्टार्ट किया तो ये एक वही इंट्रोडक्शन है ये आप पढ़ लीजिएगा जब आपके पास पी जाए दूसरी चीज क्वालिटीज क्वालिटी गुड टेरर टीडर ये मैंने आपको जैसे बताया कि जो टेरर टिल्डर है वो आपका उसको डेली मेडिएट करना है ताकि क्योंकि डीप ब्रीदिंग करने से अल्फा वेव्स निकलती है इंसान के अंदर से और वो बहुत जरूरी होती है उससे आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ती है और आप किसी चीज को अच्छी तरह से बता पाते हो कंसल्टेशन आपकी अच्छी हो जाती है देखिए कोई भी आदमी जब आपके पास अपनी चीजों को या अपनी प्रॉब्लम को लेकर आता है तो बहुत बड़ी चीज होती है कि आपकी काउंसलिंग कैसी है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कई बार तो आपकी काउंसलिंग से ही उसका शांति मिल जाती है उसको तो आपको एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट भी होना बहुत जरूरी है जिसकी वजह से आप उसकी साइकोलॉजी को पहचान पाए कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है या ये क्या सोच रहा है या ये क्या सोचता है इस चीज को लेके तो आप उसको उस तरफ हिल्ट कर पाएंगे तो वो बहुत जल्दी उसको चीजें समझ पाए कई बार देखा है हमने कुंडली देखते वक्त कुंडली दिखाने कई लोग आते हैं तो अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं तो कई लोगों की प्रॉब्लम तो यही होती है कि उनकी बात को कोई सुन ले

तब बताना चाहिए उन्हीं को प्रेडिट करना चाहिए जो लोग इस पर बिलीव करते हैं हाल तो कोई लोग एग्जाम लेने आ जाते हैं या वो चीज होती है तो हम उसको दिखाने की जरूरत नहीं है कोई आगे कहता है कि जी जरा बताओ तो हम नहीं मानते इस चीज़ को लेकिन बताओ जरा अच्छा ये क्या है इसके अंदर तो वो थोड़ा चीज गड़बड़ हो जाती है जो बिलीव करता है उसके साथ ही ये सब चीजें होनी चाहिए इसको हमें एज ए फन की तरह नहीं लेना चाहिए और टेरोकार्ड रीडर को ना तो फेक होना चाहिए ना ग्रीडी होना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है उसके लिए ये क्वालिटीज कुछ गुड टेर रीडर में जरूरी है सब इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग ऐसा होगा तो उसको राइट right आंसर मिलेगा बहुत अच्छी स्टडी है टेरो के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये हमने बता ही दिया कि इजिप्ट से आया था फिर चाइना फिर माया, माया, में आया फिर इटली में आया यूरोप में आया फिफ्टीन सेंचुरी में 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 ये इंडिया में आया और यहां पे आके इसको टूल कहा गया पहले इसका नाम डिविशन टूल था एट कार्ड होते हैं के अंदर। कार्ड्स होते हैं ट्वेंटी टू मेजर कार्ड होते हैं ये सेवनटी एट कार्ड्स आपकी 78 प्रॉब्लम को बताते हैं सेवनटी एट्स अच्छा को बताते हैं इंसिडेंट्स को बताते हैं जो भी चीजें हैं आपकी सेवेंटी एट्स चीजों को ये बारे में बताते हैं फिफ्टी सिक्स माइनर कार्ड्स हैं जो माइनर इवेंट्स को बताते हैं ट्वेंटी टू मेजर कार्ड्स हैं जो आपके जीवन की मेजर इवेंट्स को बताते हैं तो टैरो का बहुत अच्छा यूज है आपके लिए करने के लिए किसी को भी गाइडेंस देने के लिए आप टैरो कार्ड से बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या आपको नहीं करना चाहिए किस चीज़ की आपको प्रिकॉशन लेनी है उससे आप किसी को गाइडेंस दे देंगे तो उसका बहुत भला हो सकता है और मतलब उसका प्रेजेंट लाइफ ऑफ कर्मा या प्रेजेंट वे ऑफ कर्मा जो है वो इम्प्रूव हो जाते हैं और किसी तरह की डेस्टिनी की कोई भी प्रॉब्लम उसको होने वाली है तो उसको सम... उसको झेलने की उसके अंदर पावर आ जाती है आपको मैंने रीडर्स एंड वेट का डेक बता दिया था मेरे ख्याल से शायद आप सब लोगों ने डेक खरीद लिया होगा जिसने नहीं खरीदा हो नेक्स्ट क्लास से पहले पहले जरूर खरीद ले बहुत इंपॉर्टेंट है इसका लिंक भी मैंने ग्रुप के अंदर भेजा हुआ है वहां से देख के आप ये टेर कार्ड खरीद सकते हैं ऑरिजिनल कार्ड रेडर्स एंड वेट का ही है वैसे तो थ्री हैं टोटल लेकिन तो खरीदिएट अच्छा हंड्रेड रुपीज या थाउजेंड रुपीज, रुपीज के करीब आता है तो इसको आप लेकर रख लीजिए हाउ डेर वर्स मैंने आपको बताया इट इज बेस्ड एन ऑस्ट्रोलॉजी शकुन शास्त्र इट इज बेस्ड ऑन न्यूमरोलॉजी इट इज बेस्ड ऑन कलर सिंबोलिज्म कैसा कलर है कार्ड का पिक्चर सिंबोलिज्म कैसी पिक्चर है देन ऑफ़ द रीडर ये पांच चीजें हैं इनको मिक्स करके हम लोग टेरो पढ़ते हैं टेरो कार्ड इन पांच टेरोपल्स पे काम करता है टोटल मिला के सेवेंटी एट कार्ड होते हैं उसमें मेजर कार्ड्स हैं बाईस ट्वेंटी टू जिनको मेजर आर्कना बोलते हैं आर्कना मीन्स मिस्ट्री मिस्ट्री ऑफ ए पर्सन लाइफ तो मेजर आर्कना मेजर इवेंट्स बेसिकली या मेजर मिस्ट्रीज जिसे बोलते हैं वो है उनका नंबर है जीरो से ट्वेंटी वन तो टोटल ट्वेंटी टू कार्ड्स हैं जिनको मेजर आर्कना बोलते हैं और माइनर आर्कना हमारे ट्वेंटी टू से सेवेंटी एट तक है टोटल फिफ्टी सिक्स कार्ड्स हैं जो हमारे जीवन की माइनर इवेंट्स को दिखाते हैं माइनर मिस्ट्रीज को दिखाते हैं तो बहुत सिंपल है पहले हम लोग जो मेजर कार्ड हमारे हैं जो मेजर आर्कना है टेरो कार्ड में उसको पढ़ेंगे जो टोटल बाईस कार्ड हैं उसके बाद हम धीरे धीरे माइनर कार्ड्स को पढ़ेंगे जो टोटल मिला के फिफ्टी सिक्स हैं और अगर इनको हम पढ़ना सीख गए इनको एक्सप्लेन करना सीख गए तो समझिए कि आप किसी की भी चीज को बहुत अच्छा हंड्रेड परसेंट आप बता पाएंगे उसका आंसर और बिल्कुल सटीक निकलेगा और एक चीज और टेरो कार्ड में एक यूज इसका यूज एक और ये अच्छा है इसकी एक एडवांटेज है कि ये बहुत नज़दीक का फ्यूचर बताता है जैसे एस्ट्रोलॉजी के अंदर तो हम आने वाले पंद्रह साल बीस साल पच्चीस साल तीस साल तक का फ्यूचर बता देते हैं इसमें आप उसके आने वाले छः महीने में साल भर में दो दस दिन में पंद्रह दिन में बता सकते हैं तो कैसे टाइमिंग करते हैं फ्यूचर की वो मैं आपको सिखाऊंगा जब हमारी क्लास करीब बारह तेरह क्लास हो जाएगी तो टाइमिंग ऑफ फ्यूचर भी हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग चलते हैं माइनर आर्ट में जैसे मेजर में आपको मैंने बताया कि टोटल मिला के इक्कीस बाईस कार्ड हैं जीरो टू ट्वेंटी वन माइनर में फिफ्टी सिक्स कार्ड है ट्वेंटी सिक्स कार्ड्स को एक साथ पढ़ना बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा और याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा तो इन कार्ड्स को भी हमने फर्दर चार पार्ट में डिवाइड कर दिया है फोर पार्ट में डिवाइड कर दिया है यानी फिफ्टी सिक्स डिवाइडेड बाई फोर इज इक्वल टू फोर्टीन 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 कार्ड्स के हमने सूट्स बना दिए हैं कैसे इस तरीके से जो माइनर आर्कना है हमारे फिफ्टी सिक्स कार्ड्स उनको फोर्टीन कार्ड्स के हमने सूट बना दिए हैं पहला सूट है कप्स कप्स क्या है मैं आपको दिखाता हूं कप है एक कप बना हुआ है जैसे आपको देखा होगा कि आप कहीं कोई गेम जीतते हैं या कहीं किसी मैच में कोई ट्रॉफी जीतते हैं तो कप मिलता है आपको तो दैट इज बेसिकली कप जो कप की शेप का होता है तो मैं दिखाता हूँ जैसे कप इसमें जैसे ये वाला कार्ड है आपको दिखाई दे रहा है नहीं सर नहीं दिखाई दे रहा चलिए मैं आपको दिखा, अभी बता देता हूँ कोई दिक्कत नहीं है आपको दिखाई देते हैं तो कप जो होता है कप की शेप में होता है कई कार्ड्स में आपके कप बने हुए हैं तो उनको हम कप्स वाले कार्ड बोलते हैं चौदह कार्ड होते हैं हमारे के, जिसके अंदर लकड़ी का डंडा होता है वो हमारे हैं चौदह कार्ड हमारे होते हैं सॉर्ट्स के जिसमें तलवारें दिखाई होती हैं और चौदह कार्ड हमारे होते हैं पेंटिकल्स के जिसमें हमें स्टार दिखाए होते हैं जहां पे हमें कप शो कर रखा होगा तो हम कहेंगे ये कप वाला सूट है जहां हमको लकड़ी का डंडा शो कर रखा होगा हम कहेंगे ये बॉन्ड्स वाला सूट है सूट है जहां हमको तलवारें दिखा रखी होंगी हम उसे कहेंगे ये शॉर्ट्स का सूट है और जहां हमको स्टार दिखा रखे होंगे हम कहेंगे ये पेंटिकल्स का सूट है तो ये चार सूट्स होते हैं हमारे ये चार सूट्स जो हैं चौदह चौदह कार्ड के होते हैं टोटल फिफ्टी सिक्स कार्ड है चौदह कार्ड में डिवीजन किया हुआ है ये चार सूट हमारे जीवन के चार बड़े पैरामीटर्स को दिखाते हैं कप वाला सूट जो है वो दिखाता है हमारे रिलेशनशिप और इमोशंस को जितने भी हमारी रिलेशनशिप है जो भी हम रिलेशन रखते हैं कैसा रिलेशन हम किसी से रखते हैं कैसा नहीं रखते हैं कैसा रिलेशन हम पसंद करते हैं कैसे हमारे इमोशंस हैं वो सारे कप्स वाले कार्ड दिखाते हैं हमारी थॉट्स एंड ईगो हमारे विचार कैसे हैं किसके प्रति हमारे अंदर ईर्ष्या है किसके प्रति हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं है ये वांट्स वाले कार्ड हमें दिखाते हैं हमारा मेटेलिस्टिक थिंग्स पैसा कितना पैसा हमारे पास है कितना पैसा हम चाहते हैं कितना पैसा हम कमाना चाहते हैं कितना पैसा हमने खो दिया है ये सारा आपको ये सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया ये मेटरलिस्टिक जो है ये पेंटेकल्स है इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा ये थिंग्स में में आता है। में आता है है एक्शन एंड ग्रोथ अच्छा मैं इसको अभी आपको आगे दिखा देता हूं आगे इसमें दिया हुआ ये सूट्स ऑफ कप जो होते हैं हमारे वो रिलेशनशिप एंड इमोशंस को दिखाता है और ये नाइन्टी परसेंट पॉजिटिव होते हैं टेन परसेंट नेगेटिव होते हैं क्योंकि हम लोग रिलेशन तो सबसे अच्छा रखना चाहते हैं हमारे इमोशंस भी ठीक होते हैं कोई दिक्कत नहीं होता तो ये वाला कार्ड अगर किसी का आता है

10 कार्ड्स को जो शुरू से जीरो से 10 तक के हैं वन से 10 तक के हैं उनको हम पीप कार्ड्स बोलते हैं जो बाकी चार कार्ड हैं उनको हम कोर्ट कार्ड्स बोलते हैं तो 14 कार्ड्स टोटल होते हैं 10 पीप कार्ड्स 4 कोर्ट कार्ड्स वो मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा स्लाइड के अंदर आपको समझ में आ जाएगा अभी आप इतना याद रखिए कि जो सूट ऑफ कप्स है जो हमारे रिलेशनशिप और हमारे इमोशंस को दिखाता है वो नाइनटी परसेंट पॉजिटिव होता है टेन परसेंट नेगेटिव होता है सूट ऑफ शॉर्ट्स हमारा जो होता है थॉट एंड ईगो ये थॉट एंड ईगो क्योंकि हमारी थॉट और ईगो बहुत ज्यादा हम लोग सोचते हैं जहां भी हम लोग दिमाग से सोचना चालू कर देते हैं वहीं हम नेगेटिव सोच जाते हैं और दिमाग का हम बहुत अप्लाई करते हैं हर चीज के अंदर किसी को कोई आगे बढ़ रहा है कोई पीछे घट रहा है उसको देख के थोड़ा परेशान होना ये वो आगे कैसे निकल गया वो पहले कैसे रह गया मतलब बहुत चीजें हमारे अंदर होती हैं एज ए ह्यूमेन बीइंग थॉट्स और ईगो हमारे अंदर है इस वजह से ये जो सूट होता है हमारा फोर्टीन कार्ड्स का इसमें नाइन्टी परसेंट नेगेटिव होते हैं और टेन परसेंट पॉजिटिव होते हैं सूट्स ऑफ पेंटिकल्स जो हमारा मेटिक थिंग्स को शो करता है पैसा पैसा तो हर कोई चाहता है पैसा हर कोई कमाना चाहता है तो इसको हम लोग नाइनटी परसेंट पॉजिटिव कार्ड लेके चलते हैं और टेन परसेंट नेगेटिव कार्ड लेके चलते हैं अगर आपका पेंटिकल का, का कार्ड आता है

चार एलिमेंट है जिसपे हमारी लाइफ पूरी बेस्ड है हम लोग पैसा चाहते हैं एक्शन चाहते हैं ग्रोथ चाहते हैं हमारी कुछ थॉट्स हैं कुछ ईगो हैं कुछ रिलेशनशिप हैं तो इन्हीं चीजों के पीछे हमारा पूरे लाइफ घूमती है तो ये कार्ड जो है ये हमारी पूरी लाइफ को दिखाते हैं तो माइनर आर का जो फिफ्टी सिक्स हैं उनको हमने चार सूट्स में डिवाइड किया uh, पूछो ये ये इसमें थोड़ा सा confusion है थोड़ नहीं, नहीं, मैंने इसलिए बोला था आपको कि bonds थो, तो थो है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सॉर्ट्स का एक्शन एंड ग्रोथ है ये मेटेरिस्टिक थिंग यहाँ पे आना था पेंटिकल्स के नीचे वो गलत आ गया है पीपीटी में वो मैं ठीक करके आपके पास भेज दूंगा

अब हम आते हैं मेजर आरकरा और माइनर कार तो मेजर आरकरना मैंने आपको बताया कि टोटल हीरो से ट्वेंटी होते हैं जो मेजर लाइफ मेजर इवेंट्स दिखाते हैं हमारे लाइफ की और माइनर आरकरना हमारे फिफ्टी सिक्स कार्ड्स हैं जिनको हम चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं चार सूट्स में डिवाइड करते हैं एंड दीज सूट्स आर कॉल्ड सूट्स ऑफ कप सूट्स ऑफ पान सूट्स ऑफ पेंटिकल्स एंड सूट्स ऑफ शॉर्ट्स जो मैंने आपको बताए कप हमारा रिलेशनशिप एंड इमोशंस दिखा रहा है या जो हमारी चीजें हमने चार चीज आपको बताई वो चार चीजें आपको इसके अंदर मिल जाती है। अच्छा हर सूट के अंदर दस कार्ड हैं ऐसे जिनको कोर्ट कार्ड बोलते हैं और चार कार्ड ऐसे हैं जिनको हम पीप कार्ड बोलते हैं मैं आपको एक बार जरा स्क्रीन करके दिखाता हूं जरा देखिए एक सेकेंड स्क्रीन शेयर करता हूं आपको देखिए अब ये कार्ड आपको दिखाई पड़ रहा होगा इसके हाथ में कप है ये कप्स वाले कार्ड है अब इसमें मैं आपको एक चीज दिखाता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा आप चीज समझ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत सिंपल है एक्सरसाइज थोड़ा पढ़ेंगे तो सब चीज समझ में आ जाएगा जितने भी हमारे सूट्स हैं ये सारे सूट्स हमारे कप के हैं देखिए इसमें कप नजर आ रहा होगा आपको यहां भी आपको कप नजर आ रहा होगा ये जितने भी कार्ड हैं ये कप्स वाले हैं सब कप नजर आ रहे हैं तो टोटल चौदह कार्ड हैं जो कप्स के हैं चौदह कार्ड्स वॉन्ट्स के हैं चौदह कार्ड पेंटिकल्स के हैं और चौदह कार्ड शॉर्ट्स के इन चौदह कार्ड में दस कार्ड हर सूट के अंदर पीप कार्ड कहलाते हैं और चार कार्ड कोर्ट कार्ड कहलाते हैं पीप कार्ड और कोर्ट कार्ड में क्या डिफरेंस है डिफरेंस ये है कि दस कार्ड जो है वो तो आपके वन टू टेन चलते हैं सर कौन सा कार्ड बोला आपने पीप और पीप कोर्ट 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 ओ यू आर टी नहीं कोर्ट नहीं पीप पीप हाँ पी आई पी अच्छा पी ओके okay. पीप कार्ड्स एंड कोर्ट कार्ड्स जैसे आपके मैं आपको एक मिनट बताता हूं ये जितने भी कार्ड्स हमारे हैं ये वन से लेकर टेन तक हैं इनके नंबर देखिए ऊपर पड़े हुए हैं थ्री है टू है टेन है ये नंबर सब पढ़े हुए हैं इसके ऊपर ये आपको दिखाई दे रहे होंगे नंबर पड़े हुए ये सारे हमारे पीप कार्ड्स कहलाते हैं तो हर सूट के अंदर यानी ये कप वाला सूट है इस सूट में दस कार्ड टेन पीप देयर और फोर कार्ड्स हमारे कोर्ट कार्ड्स होते हैं जो हमारे ये वाले हैं. ये हमारे कोर्ट कार्ड्स हैं ये देखिए पहला कार्ड होता है पेज ऑफ कप्स ये दिखाई पड़ रहा है आपको हाँ जी सर दूसरा कार्ड होता है ये वाला जिसको हम बोलते हैं नाइट ऑफ कप्स तीसरा कार्ड हमारा होता है किंग ऑफ कप्स और चौथा कार्ड हमारा होता है

तो ये चार कार्ड कोर्ट कार्ड कहलाते हैं और ये चार कार्ड हर सूट के अंदर होते हैं चाहे वो कप्स का हो चाहे वो पेंटिकल्स का हो चाहे वो वॉन्स का हो और चाहे वो शॉर्ट्स का एंड दीज फोर कार्ड्स आर ऑलवेज पॉजिटिव जो कोर्ट कार्ड्स होते हैं अगर किसी भी क्वेश्चन के लिए ये कार्ड आपके आ गए अगर जहां आपको सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव का आंसर देना है यस नो का आंसर देना है किसी क्वेश्चन पे तो ये आपको हमेशा पॉजिटिविटी शो करेंगे लेकिन हमने तो कहा था कि एक सूट के अंदर नाइन्टी परसेंट पॉजिटिव होता है रिलेशनशिप इमोशन टेंशन नेगेटिव होता है तो वो नाइनटी परसेंट पॉजिटिव और टेन नेगेटिव uh, जो प्ले करता है वो सिर्फ इन दस कार्डों में करता है जो पीप कार्ड्स होते हैं समझ आया कोई क्वेश्चन किसी का यहां तक जरा पूछ लीजिए मतलब अगर कप्स के अंदर सर आपके अगर सपोज दो कार्ड आ गए फॉर एग्जांपल एक आपका आ गया कोर्ट कार्ड और एक आ गया आपका पिप कार्ड करेक्ट हाँ, में हाँ, तो इसका मतलब है 90 जो है वो पॉजिटिव रहेगा और 10 दस कार्ड है ये पिप कार्ड्स करेक्ट जो वन से लेकर टेन तक लिखे हुए राइट right. इसमें क्या है इसमें वन जो होता है टेन लिखा है तो देखिए टेन लिखा हुआ है इसके ऊपर ओके okay. तो तो रो, रोमन 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 में लिखा रोमन हो लिखा होगा नाइन है तो है, है। समझ गया लेकिन वन की जगह इसके अंदर लिखा होता है एस ऑफ कप्स ओके वन की जगह इसमें होता है एस ऑफ कप्स ओके तो ये ध्यान रखना है टू की जगह तो फिर टू आई जाएगा ये आ गया टू तो, रोमन टू तो रोमन वन okay. नहीं लिखा होता उसकी जगह एस लिखा होता है ठीक है जो टेन कार्ड्स है हमारे दीज आर कार्ड फिप कार्ड्स राइट तो जो 90 परसेंट पॉजिटिव और टेन नेगेटिव होते हैं वो इनमें से से होते हैं कार्ड्स कार्ड्स में से. अच्छा जब इन जो नाइनटी परसेंट कार्ड है वो पॉजिटिव है और दसवे से जो एक कार्ड है वो नेगेटिव है अच्छा कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है हम आगे ओके। ना तो हर सूट के अंदर ऐसा ही होता है चाहे वो कप्स का सूट हो चाहे वांड्स का सूट हो चाहे शॉर्ट्स का सूट हो चाहे पेल्टेगल का सूट हो तो अच्छा ये वो तो जो चार चार पहले निकले तो वो पॉजिटिव ही होंगे वो जो चार कोर्ट कार्ड्स हैं हमारे वो पॉजिटिव वो ऑलवेज पॉजिटिव होंगे चाहे वो किसी भी सूट के हो इनमें से 90% पॉजिटिव 10% नेगेटिव हां पीप कार्ड में से ठीक

वो सब चीजें पढ़ वो चीजें हम पढ़ेंगे इसके अंदर ठीक है मतलब सिर्फ आपका वांट्स वाला जो है उसी में 50% पॉजिटिव और नेगेटिव है आउट ऑफ दिस टेन पिप कार्ड राइट और सब yes. में 90% ही रहता है हाँ है ना सर हाँ करेक्ट ओके okay. लेकिन थॉट्स ईगो में 90% नेगेटिव होता है किसमें थॉट्स एंड ईगो में थॉट्स एंड ईगो वाला वोशन ईगो वाला कौन सा था आपको वो अच्छा था वांट्स वाला नहीं नहीं वांट्स था ना वो तो थॉट्स एंड ईगो तो वांट्स था हां

स्क्रीन कर देता हूँ ये कार्ड है ये पेंटिकल्स वाला है इसके हाथ में स्टार है ना पॉजिटिव है ना तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये तो पॉजिटिव होगा कोर्ट ये, तो ये कार्ड तो है आपका कोर्ट कार्ड है तो आपका हाँ, हाँ। लेकिन हाँ। ये जो कार्ड है बाकी जो ये कार्ड है टेन कार्ड्स है हमारे पास ये, पेंटिकल्स के इसमें देखिए स्टार बना हुआ है राइट right. ये वन टू टेन है सारे तो ये कार्ड में आपके हाँ

फर्स्ट वाले में एस ऑफ सोल्ड लिखा होगा ओके okay. ऑफ हाँ. जितने भी फर्स्ट वाला कार्ड है सब में एस लिखा होगा ओके okay. उसमें रोमन वन नहीं लिखा होगा आपका एस लिखा होगा ये आपको ध्यान रखना है बाकी सेकंड नंबर से आपका सेकंड नंबर लिखा होगा उसमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपका फिर तो टेन से टेन नंबर लिखा होगा उसमें आपका उसके बाद आपके कोर्ट कार्ड चालू हो जाएंगे और कोर्ट तो आपके ऑलवेज पॉजिटिव कार्ड है चाहे कोई भी हो आप तो इस तरीके से ही आपको ये कार्ड देख लिया आपने और एक दिखा देता <gtain> हूं आपको ये वाले कार्ड्स ये वाले वॉन्ट्स है तो देखिए लकड़ी का डंडा इसके अंदर ये सारे वॉन्ट्स वाले कार्ड्स ये सब वॉन्ट्स वाले कार्ड्स हैं जिनमें लकड़ी का डंडा दिखाया गया है जो एक्शन एंड ग्रोथ को शो करते हैं और इसके अलावा शॉर्ट्स का हमने देख लिया वॉन्ट्स का हमने देख लिया कप <gtain> हमने देख लिया और पेल्टिकल्स का हमने देख लिया अब मैं इसमें आपको दोबारा से वो चीज बता देता हूं जो आपको ध्यान रखनी है फिर आप ध्यान से ये देख लीजिए हाँ सर एक मिनट लिख लेते हैं सर एक सेकंड होल्ड करना सर थोड़ा हाँ, सा जो आपको, आपको सब... बार बार थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा हाँ सॉरी <coughs> इंटरकल्स है आपका मटेरियलिस्टिक और आपका वांट्स है एक्शन एंड ग्रोथ पॉजिटिव ठीक है चलिए वेरी थैंक यू अच्छा इसमें एक चीज मैंने और लिखी हुई है एक स्लाइड के अंदर वो मैं आपको उसका भी बता देता हूं कि इसमें लिखा था कि सूट ऑफ कप्स को वाटर एलिमेंट बोलते हैं सूट ऑफ शॉर्ट्स को एयर एलिमेंट बोलते हैं सूट ऑफ पेंटिकल्स को अर्थ एलिमेंट बोलते हैं सूट ऑफ को फायर एलिमेंट बोलते हैं ये क्यों देखिए ऐसा होता है कि जब हम लोग कोई नई नई चीज सीख जाते हैं तो हर विद्या में दूसरी विद्या को कुछ घुसाने की कोशिश करते हैं तो इसके अंदर भी यही हुआ है ये एलिमेंट्स जो होते हैं वाटर एलिमेंट हो फायर एलिमेंट हो एयर एलिमेंट हो या स्काई एलिमेंट हो जो पांच तत्व हैं हमारे ये पांच तत्व हमारे वास्तु में यूज होते हैं तो कुछ लोगों ने कार्ड्स के साथ भी वास्तु को मिक्स कर दिया कप्स को उन्होंने मिक्स किया वाटर एलिमेंट के साथ क्योंकि कप के अंदर पानी पिया जाता है शॉर्ट्स को उन्होंने मिक्स किया एयर एलिमेंट के साथ क्योंकि तलवार कहाँ चली जाती है तलवार तो हवा में चलाई जाती है पेंटेगल्स को उन्होंने मिक्स किया अर्थ एलिमेंट के साथ क्योंकि पैसा कमाना है थिंग्स है तो आपको धरती से कमाना है और बॉन्ड्स को जो मिक्स किया उन्होंने वो किया फायर के साथ क्योंकि लकड़ी है वो आग जलाने के काम में आती है स्काई इसमें रह गया स्काई वाले जो होते हैं वो मेजर आर्कना वाले कार्ड होते हैं जो हमारे बाईस कार्ड है टोटल तो ये था हमारे इन कार्ड्स के बारे में जो हम लोगों ने सीखा आपने नोट कर लिया होगा इसको जरा ध्यान रखिएगा आगे तक आपको ध्यान रखना है इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, है? आल्वो एक बार शुरू होने के बाद आप पॉजिटिव नेगेटिव में इतना फर्क आपको पड़ेगा नहीं आप खुद ही पहचान जाओगे जब।, जब आप हर कार्ड को डिटेल में पढ़ लो ये मैंने आपको बताया कि वन से टेन तक जो कार्ड हमारे होते हैं वन वाले कार्ड को हम एस बोलते हैं टू वाला तो रोमन टू होता है थ्री वाला रोमन थ्री फोर वाला रोमन फोर फाइव वाला रोमन फाइव और रोमन टेन तक हमारे कार्ड होते हैं जिनको हम पीप कार्ड्स बोलते हैं हर सूट के अंदर ये होते हैं चाहे शॉर्ट्स का सूट हो चाहे कप का सूट हो चाहे का सूट हो चाहे आपका पेल्टिकल्स का सूट हो तो हर सूट में दस कार्ड जो होते हैं हमारे वो हमारे पीप कार्ड्स कहलाते हैं और इनका मतलब होता है दस कार्ड इनको नंबर दिया हुआ है वन से लेकर टेन तक एस जहां लिखा है वो वन समझिए वन का मतलब होता है बिगनिंग मैंने कहा था कि आपको इसके अंदर कार्ड में पढ़ते हुए न्यूमरोलॉजी को भी देखना पड़ेगा तो इसमें ये नंबरोलॉजी का भी इस्तेमाल है जब भी आप किसी कार्ड को देखेंगे किसी क्वेश्चन के अगेंस्ट कोई कार्ड आएगा तो आप ये चेक करेंगे तो, कर माइनर का तो आप सर नंबर अगर वन है एस लिखा हुआ है उसके ऊपर तो समझ जाइए कि वन शो करता है को, किसी भी चीज की बिगिनिंग को शुरुआत तो। दो नंबर शो करता है बैलेंस को नंबर शो करता है नॉलेज एंड क्रिएटिविटी चार नंबर शो करता है लिमिटेशन और रेस्ट्रिक्शन को पांच नंबर को शो करता है कम्युनिकेशन को या तो हमारी कम्युनिकेशन पावर ठीक है या हमारी कम्युनिकेशन पावर गड़बड़ है छ नंबर शो करता है लग्जरी को या तो हमारे पास लग्जरी है या नहीं है या फ्यूचर में होगी सेवन नंबर शो करता है इल्यूजन एंड डाउट्स को या हमें डाउट्स हैं हमको भ्रम हो रहा है हमको इल्यूजन हो रहे हैं आठ नंबर शो करता है स्ट्रगल एंड सक्सेस को कि इसमें पहले हमको स्ट्रगल करनी पड़ेगी हार्ड वर्क करना पड़ेगा देन एंड ओनली दैट वी कैन गेट सक्सेस नाइन नंबर कार्ड शो करता है करेज एंड स्ट्रेंथ को कि हम में करेज है हम में स्ट्रेंथ है या हम में करेज नहीं है या हम में स्ट्रेंथ नहीं है और अगर दस नंबर कार्ड आता है तो इट शोज कंप्लीशन एंड फुलफिलमेंट कि भाई आप सब कुछ खत्म हो गया

एक सेकेंड पीप कार्ड्स से मैं आपको एक चीज और बता दू तो एक नंबर को बीनिंग क्यों कहा गया दो नंबर को बैलेंस क्यों कहा गया तीन नंबर को क्रिएटिविटी क्यों कहा गया इसका भी एक रीजन आप कह सकते हैं कि साहब दो नंबर को क्रिएटिविटी नॉलेज बोलते इसमें क्यों दिखाया दो नंबर को आपने बैलेंस या इमोशंस या ड्यूलिटी जो भी है वो इसलिए क्योंकि ये हर नंबर जो है हम लोगों ने न्यूमरोलॉजी में पढ़ा है न्यूमरोलॉजी का बहुत कम यूज है लेकिन जितना यूज है मैं आपको बता रहा हूं कि हर हर ग्रह को हर प्लेनेट को एक नंबर दिया हुआ है वन नंबर इज फॉर सन सन एक नंबर सन को दिया हुआ है और सन हमेशा बिगनिंग को शो करता है जब सूर्य निकलता है तो ये एक सिंबल होता है कि भाई बिगनिंग होने वाली है अब कुछ अच्छा होने वाला है अब अच्छी कार्य की ओर बढ़ो नंबर टू प्लेनेट नंबर दिया हुआ है प्लेनेट मून को जो आपकी लाइफ में बैलेंस को शो करता है आपकी लाइफ में इमोशंस को शो करता है नंबर तीन दिया हुआ है जुपिटर को जुपिटर देवताओं के गुरु थे जो आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी को शो करते हैं कि लाइफ में क्रिएटिविटी है या नहीं है आपके पास नॉलेज है या नहीं है, या आप सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे नंबर चार ये रिप्रेजेंट करता है राहु को राहु प्लेनेट है इसको नोट कर लेना शायद मैं इसमें लिखा नहीं है कहीं पे पर आप नोट कर लेना नंबर वन सन ये तो न्यूमरोलॉजी पढ़ा है लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा वो नोट कर लें नंबर टू मून नंबर थ्री जुपिटर टू क्या है चंद्रमा थ्री नंबर जुपिटर गुरु चार नंबर राहु पांच नंबर कम्युनिकेशन ये होता है मरकरी को बुद्ध लग्जरी का है लव का है ये नंबर दिया जाता है वीनस को शुक्र सेवन नंबर आपका इल्यूजन का है डाउट्स का है ये नंबर मिलता है केतु को आठ नंबर आपका स्ट्रगल का है सक्सेस का है और ये लाइफ में कौन कराता है सेटर्न शनि नाइन नंबर आपका करेज का है स्ट्रेंथ का है ये कौन देता है आपको मार्स मंगल तो ये नाइन नंबर तक दिया होता है टेन के बाद तो फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाता है उसमें वो वाली कोई दिक्कत नहीं तो ये नाइन नंबर तक हमें इसको दिया हुआ है और टेन नंबर हमने दिखाया कि भाई सब चीजें अब कंप्लीट हो गई है फुलफिलमेंट हो गया है सब चीज का तो ये दस हमारे पीप कार्ड होते हैं हर सूट के अंदर होते हैं चाहे वो शॉर्ट्स वाला हो चाहे वांट्स वाला हो चाहे पेल्टिकल्स वाला हो हर में ये दस पीप कार्ड होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है वो दस पीप कार्ड में होता है चार हमारे कोर्ट कार्ड्स होते हैं पेज, नाइट, क्वीन और किंग पेज जो है पेज को हम बोलते हैं राजकुमार राजकुमार जो बाल अवस्था वाला राजकुमार नाइट को हम बोलते हैं सेनापति योद्धा सोल्जर क्वीन तो क्वीन है ही ये तो हम जानते ही हैं। और किंग राजा महाराजा एम्पर वो किंग होता है तो किसी भी सूट के अंदर अगर ये चार कार्ड्स आपके निकलते हैं कोर्ट कार्ड तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है अच्छा पेज क्या दिखाता है कहीं पेज वाला कार्ड आपका किसी का आ गया तो बच्चा जो होता है वो कैसा होता है वो थोड़ा इमेच्योर होता है थोड़ा केयरलेस होता है फ्रीडम लविंग होता है डिसीजन मेकिंग उसकी अच्छी नहीं होती नाइट जो हो गया ये वॉरियर है सेनापति है ये अराउंड थर्टी थर्टी फाइव की एज का है ये मैच्योर्ड है एनर्जेटिक है गुड प्लानर है अंदर इसके स्टेबिलिटी है बट पावर नहीं है राजा की जो राजा जो कहेगा वो मानेगा क्वीन है फेमिनिन है मैच्योर है नर्चरिंग कैपेबिलिटी उसके अंदर है पावर है लेकिन पावर टू इन्फ्लुएंस है बच्चा कोई चीज अपनी माँ से बोलेगा कि मम्मी मुझे ये काम करना है तो अल्टीमेटली कहेगी ठीक है मैं करवा दूंगी लेकिन तेरे पापा से बात कर लेती तो पापा को इन्फ्लुएंस करके वो समझा सक समझा देती है और वो अल्टीमेटली बच्चे को याद मिल जाती है बहुत कम होता है जब क्वींस बहुत डोमिनेटिंग होती हैं और अपने आप ही सारी चीजें की इजाजत बच्चे को दे देती है किंग है उसके पास ऑथोरिटी है स्टेबिलिटी है पावर है मेचोरिटी है प्रैक्टिकल है तो ये मैंने क्यों बताया ये वाला कि जब इस तरह के कार्ड्स आपके आएंगे कि पेज ऑफ शॉर्ट्स आ गया आपका या पेज ऑफ बॉन्ड्स आ गया आपका या पेज ऑफ कप्स आ गया आपका या पेज ऑफ जो आपका लास्ट है पेंटेगल्स आ गया तो आप कह सकते हैं कि भाई ये बंदा जो है अभी इसके अंदर मिच्योरनेस है थोड़ा केयरलेसनेस है फ्रीडम लविंग है ये बहुत ज्यादा अभी डिसीजन मेकिंग इतनी अच्छी नहीं वो कैसे कैसे हम लोगों को इसको इंटरप्रेट करना है वो आगे हम लोग करेंगे कि पास्ट के लिए कैसे इंटरप्रेट करना है प्रेजेंट के लिए कैसे इंटरप्रेट करना है फ्यूचर के लिए कैसे इंटरप्रेट करना है क्या गाइडेंस देनी है वो सब चीज हम लोग करेंगे आज हम आपको कलर्स के बारे में और बता देता हूं मैं आपको आपको ये वाले कलर मिलेंगे अपने कार्ड्स के अंदर कहीं वाइट मिलेगा कहीं ब्लैक मिलेगा कहीं येलो मिलेगा कहीं ऑरेंज मिलेगा पर्पल मिलेगा ग्रीन मिलेगा ब्लू मिलेगा रेड मिलेगा ब्राउन मिलेगा वाइट कलर जो होता है वो हमेशा प्योरिटी को शो करता है इनोसेंस को शो करता है फेथ को शो करता है ट्रुथ को शो करता है पीस को करता है कामनेस को करता है ब्लैक कलर अगर आप दिखाई देते हैं तो आप सोच सकते हैं कि समथिंग नेगेटिव सब नेगेटिव इज नेटिविटी इज देयर कुछ झूठ है कुछ फॉल्स है कुछ इल्यूजन है कुछ डाउट है कुछ डिप्रेशन है एंजाइटी है येलो कलर दिखाई देगा तो आप कह सकते हैं कि देयर इज पॉजिटिविटी ऑप्टिमिज्म ऑरेंज कलर दिखाई देगा तो आप कह सकते हैं कि प्राइड है हीलिंग पावर है अगर बहुत डार्क ऑरेंज हो तो उसको हम ईगो बोल सकते हैं लेकिन हीलिंग पावर होती है अगर ऑरेंज कलर हमको दिखाई पड़ता है पर्पल कलर जो होता है वो आपकी स्पिरिचुअलिटी को शो करता है आपकी साइकिक पावर को शो करता है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जो आप कार्ड मंगाएंगे उन कार्ड्स को आप एक पर्पल कलर का मोस्ट प्रीफेबली पर्पल कलर का एक क्लोथ तो कौन सा होता है वेलवेट का आप ले सकते हैं बड़ा क्लोथ ले लीजिए एक स्क्वायर मीटर का करीब ले लीजिए और उसके अंदर अपने कार्ड्स को रखिए और जब भी कार्ड्स किसी को आप दिखाते हैं या कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है तो उसी कपड़े के ऊपर आपने कार्ड्स फैलाइए कहते हैं कि पर्पल कलर आपको स्पेशलिटी देता है आपको साइकिक पावर देता है ग्रीन कलर कहीं पे है कार्ड में इट मीन्स के पर्सन इज कनेक्टेड टू नेचर इज प्रैक्टिकल कार्ड में कहीं ब्लू कलर है तो आप कह सकते हो द पर्सन इज पीसफुल काम रेड है तो लव एनर्जी डेंजर एग्रेसिवनेस को शो करता है ब्राउन है तो वो भी कनेक्टेड टू अर्थ को शो करता है क्योंकि जब भूमि का रंग भूरा होता है तो कनेक्टेड टू अर्थ है डाउन टू अर्थ है तो ये हमारे कलर्स के बारे में थे मैंने बीच में ग्रह बताए राहु केतु राहु केतु के, के, के बारे में सब लोगों को मालूम है या किसी को नहीं मालूम बाकी ग्रहों के नाम तो सुने होंगे आप लोगों ने शनि है शुक्र है वीनस है जुपिटर है ये तो हम नॉर्मल पढ़ते ही हैं राहु केतु जहां मैंने बोला है तो वहां आप लोगों को आइडिया है या किसी को आइडिया नहीं है कि राहु और केतु क्या होते हैं बाकी नाम तो सुने एक हैं। बारी आप बता दीजिए सर हाँ देखिए राहु केतु के बारे में बड़ा अच्छा वर्णन है हमारे पुराणों में जब समुद्र बंथन हुआ था तब उसमें से अमृत निकला था और वो अमृत जब पिलाने की बारी आई कि कहा गया कि भाई देवताओं को देंगे और राक्षसों को देंगे तो सब दोनों तरफ लाइन लगवा दी गई और मोहिनी जो विष्णु रूप धारण करके आए थे जो विष्णु जी आए थे रूप धारण करके उन्होंने अमृत देना, तो देना देना शुरू शुरू किया किया पहले पहले देवताओं देवताओं को 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 फिर राक्षसों राक्षसों तो तो लगा उनमें से एक राक्षस था स्वर भानु उसको लगा कि यार ये तो ऐसा ना हो कि ये देवताओं को ही पिला दे और हम लोग ऐसे रह जाए तो देवता तो अमर हो जाएंगे और हम लोग अमर नहीं रहेंगे हमें हमें मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा तो उनमें से एक राक्षस स्वर भानु वो चुपचाप निकल के देवताओं के लाइन में जाके बैठ गया और वो सूर्य और चंद्रमा जहां बैठे थे उनके बीच में जाके बैठ गया जहां पे सन एंड मून बैठे थे देवता सूर्य देव चंद्रमा देव जहां बैठे थे उनके बीच में जाके बैठ गया जब विष्णु जी मोहनी के रूप में अमृत पिलाते हुए वहां पहुंचे थोड़ा सा अमृत उसको भी दिया तो उसने चखा अमृत इससे पहले कि वो पूरा निगल पाता सूर्य और चंद्रमा ने उसको पहचान लिया और वो विष्णु जी से बोले कि साहब ये तो राक्षस है स्वर भानु है तभी विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और उसके दो टुकड़े हुए एक टुकड़ा उसका ऊपर का जो जो सर वाला टुकड़ा था वो राहु के लाया और जो नीचे वाला टुकड़ा था धड़ का वो केतु के लाया अब चूंकि वो अमृत तो चक चुका था तो इसलिए मरा तो नहीं हो लेकिन वो राहु और केतु आकाश में विचरण करते रहे और विचरण करते करते वो भगवान शिव के पास पहुंचे कि हमारी रक्षा करो तो भगवान शिव ने कहा कि आज से मैं तुमको ग्रह का रूप देता हूं जिस तरीके से सूर्य देव चंद्र देव, शनि देव ग्रह हैं इसी प्रकार से तुम भी ग्रह कहलाओगे और तुम्हें पावर होगी और कोई भी कि सूर्य और चंद्र के साथ मिलके सूर्य और पृथ्वी के साथ मिलके ग्रहण तुम ही लगा सकते हो तो जब भी चंद्र ग्रहण पड़ता है सोलर इक्लिप्स होता है या मून इक्लिप्स होता है तो सूर्य पृथ्वी और ये जो राहु या केतु हैं ये एक लाइन में आते हैं तभी ऐसा होता है वो मैं आपको कभी ग्रहण के बारे में पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा बट आप ये समझ लीजिए कि राहु केतु बेसिकली एक तरह से ऐसे ग्रह हैं जो राक्षस के रूप में जन्म लिया है इसलिए राहु को रेस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशन कहा गया है और केतु को इल्यूजन एंड डाउट्स कहा तो आज हम लोग यहां तक रखते हैं आप इसको देखिए और मैं आपको बोलूंगा कि आप थोड़ा सा कार्ड्स आप में से किन के नहीं आए आप जरा अपना बता दीजिए सब लोगों के आ चुके हैं या किसी कार्ड रह गया है अभी नहीं आए कार्ड मंगा लीजिए प्लीज बहुत जरूरी है दो दिन में आप से आ जाएंगे आप मंगा लीजिए क्योंकि कार्ड आपके पास नहीं होगा ना तो आप समझ नहीं पाओगे हम थ्योरी पढ़ेंगे अभी हर कार्ड के बारे में पढ़ेंगे तो कार्ड मंगा लीजिए हेमलता जी आपने कार्ड मंगा दिया नहीं

कोशिश कीजिए कार्ड जमीन पे ना गिरे ठीक है ये कोशिश कीजिए तो सफल करने की प्रैक्टिस कीजिए नंबर वन नंबर टू दूसरा होमवर्क आपका ये होगा सफल करने के बाद उन कार्ड्स में से मेजर कार्ड्स अलग कर दीजिए जो बाइस कार्ड मेजर कार्ड हैं मेजर कार्ड का मैं आपको जस्ट एग्जांपल देता हूं कि जितने हमारे मेजर कार्ड हैं उनके नीचे कुछ ना कुछ लिखा होता है वहां पे पर कप्स ऐसा नहीं लिखा होता द फूल ये मेजर कार्ड है द ये, ये बाईस कार्ड ऐसे होते हैं जिसपे ना तो सूट्स लिखा होता सूट्स के बारे में डिस्क्राइब नहीं होता कप्स वॉन्ट्स शॉर्ट्स या पेंटिकल इसके बारे में इन कार्ड्स के ऊपर डिस्क्राइब नहीं होता इनको मेजर कार्ड्स कहते हैं तो आपका काम ये है कि आप अब 22 कार्ड जो मेजर कार्ड आपके हैं उनको अलग करेंगे फिर सूट्स वाले कार्ड अलग करेंगे पेंटेगल्स वाले कार्ड वन टू और नीचे जो किंग तक लेके जाएंगे फिर शॉर्ट्स वाले कार्ड एस से लेके किंग्स तक लेके जाएंगे फिर वॉन्स वाले कार्ड एस से लेके किंग्स तक लेके जाएंगे इस तरीके से आप चौदह चौदह कार्ड्स का भी वो भी वो तो बना लेंगे ठीक है तीसरा होमवर्क आपका ये है कि देखिए टेरो कार्ड आपसे बोलता है अभी आप लोग सब अपने ग्रुप के अंदर थोड़ा आ, चुप हैं क्योंकि आप सब लोग नए हैं अभी हम लोग नए पैदा हुए हैं हम लोग क्रॉल कर रहे हैं बेसिकली धीरे धीरे हम सीखेंगे और कुछ समय बाद डेढ़ या दो महीने बाद जब क्लासेस हमारी कुछ हो जाएगी तो शायद बताते हुए मुझे भी घबराहट हो आपको क्योंकि आप इतना चीज सीख पाओगे तो डिस्कशन करना शुरू कीजिए आपस में टेर कार्ड को अपने हाथ में लेके देखिए कोई भी कार्ड निकालो उसको फील करो फील क्या करो कि यार इस कार्ड को देख के क्या सा नजर आता है या इस कार्ड को देख के कुछ होप नजर आती है इस कार्ड को देख के ऑप्टिमिस्टिक महसूस होता है इस कार्ड को देख के पैसे महसूस होता है इस कार्ड को देख के जॉय महसूस होता है या इस कार्ड को देख के सौरव महसूस होता है तो कोई भी कार्ड निकालो और आठ दस कार्ड को निकाल के आप फील करो उसकी पिक्चर देखो कि पिक्चर क्या कहती है ये किसी डिप्रेस्ड आदमी को दिखा रही है किसी खुश आदमी को दिखा रही है या किसको दिखा रही है? वो आपको देखना है एंड लास्ट आपका होमवर्क है जो आपको करना है कि मॉर्निंग में पांच मिनट आपको डीप ब्रीदिंग करनी है विद मेडिटेशन और इवनिंग में सोने से पहले रात को भी आपको डीप ब्रीदिंग करनी है ये आपको मेडिटेशन की पावर आपकी इंक्रीज करेगा आपकी कंसल्टेशन पावर इंक्रीज करेगा आपकी इंट्यूशन निकलेगा एटलीस्ट फॉर ए वीक ये आप कीजिए मेडिटेशन पांच पांच मिनट का नेक्स्ट वीक जब हम लोग मिलेंगे तब हम लोग एक दूसरे के एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे और क्लास आपको दो रखनी है वीक में एक रखनी है दैट इज अपने ग्रुप में ग्रुप आपका बना हुआ है चाहे तो आप अपना ग्रुप कोई भी आप में से नया ग्रुप बना सकते हैं चाहे जो ग्रुप बना हुआ है टैरो कार्ड का जिसमें आपके पास इंफॉर्मेशन आती है मीटिंग वगैरह की उसी के अंदर डिस्कस कर सकते हैं तो आप लोग डिस्कस करके और आ, मुझे नेक्स्ट टाइम बता दीजिए कि भाई हम क्लास हफ्ते में दो करना चाहते हैं या एक करना चाहते हैं करना चाहते हैं दूसरी क्लास तो कब करना चाहते हैं वन इज वन क्लास इज फिक्स फॉर सैटरडे तो वो तो ऑलरेडी फिक्स है दो बजे से सेकेंड क्लास के लिए आप दिन डिसाइड कर सकते हैं अगर आप रखना चाहते हैं और आपको लगता है कि एक क्लास काफी है तो ठीक है अच्छा अब आप में से कोई कुछ भी कहना चाहता हो आप पूछ लीजिए हाँ सर मेजर कार्ड कितने होते हैं हम बोले बाईस जी जीरो टू ट्वेंटी वन जी फिफ्टी सिक्स माइनर कार्ड्स और किसी का कोई सवाल दीपक जी आपका कोई सवाल है ने. आपको मैं पहले वाली क्लास भेज दूंगा तो आपको उसमें और आइडिया हो जाएगा ठीक है ना इंट्रोडक्शन का अभी भेज देंगे तपन सब समझ में आया कोई दिक्कत तो नहीं हाँ जी सर एवरीथिंग इज क्लियर क्लास तो सर एक ही रखते हैं बिकॉज सर देखो वीकडे दे में तो सर मेरे लिए तो बहुत टफ है राइट right? और या uh, बट yeah, फिर भी uh, चलो आप देख लो डिस्कस कर लो आप लोग वो आपके हाँ जो कुछ करना है चाहिए ग्रुप में कर लीजिए और uh, सावित्री मैडम आपको कोई दिक्कत तो नहीं कहीं नहीं दिक्कत कोई नहीं आई बहुत अच्छा आपने समझाया है अच्छे से समझ में आया है

कोशिश कीजिए आप ग्रुप के अंदर एक क्लास और रखना चाहते हैं तो सब लोगों से बात करके टाइमिंग को सेट करके रखिए संडे हो सकता है तो अवॉइड कीजिए क्योंकि संडे को सबके काम होते हैं हम लोगों को भी काम रहता है तो थोड़ा दिक्कत जाती है बाकी क्लास किसी और दिन आप रख सकते हैं वर्किंग डे में टाइम अपने हिसाब से आप देख सकते हैं तो थैंक यू वेरी मच राधे कृष्ण और नमस्कार